पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सा फील क्यों रहा है अमू, क्या हुआ? ठीक हो तुम? कुछ नहीं, बस वॉमिट जैसा। वॉमिट? कहा था ना मैंने बाहर की चाट मत खाओ, एसिडिटी हो गई ना। चल के डॉक्टर सिस्टोडिया को दिखा लेते हैं। नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, एंटासिड खा लूंगी तो ठीक हो जाएगा। हाँ, फिर भी ठीक नहीं हुआ तो देखते हैं। आस्था, ये आस्था, आज भी नहीं चलोगी हॉस्पिटल? सब पूछते हैं तुम्हारे बारे में। तुम्हें याद है वो छोटू माणिक दो बार आया तुमसे मिलने के लिए, अपनी डॉक्टर आंटी को थैंक्स बोलना चाहता था। इज टोटली ऑल राइट नाउ, बार बार आके पूछता है कहाँ है मेरी क्यूट डॉक्टर आंटी, क्यूट। पता नहीं कुछ अखंड चला गया, कुछ कुछ छोंक वोंक लगाया था बीजी। कोई गल नहीं है डैडी जी, सच्ची सब कुछ ठीक है, तुझे टेंशन ना लेना एकदम। मैं भी ठीक हूँ, आस्था भी ठीक। रोला पुत्र, रोला जी, खोल के रोला तक अंदर दबाए बैठे रहेगा अपने दुख को। मर्द होने का मतलब ये नहीं है कि आदमी दुख सुख महसूस नहीं कर सकता। तुझे भी हक है अपनी तकलीफ को साझा करने का, अपने शोक को मनाने का। तूने भी अपना बच्चा खोया है पुत्र, अपना दुख तो बर्दाश्त कर लेता है मैं डैडी जी, जो बर्दाश्त नहीं हो रहा है वो आस्था का हाल। मैंने कभी नहीं देखा उसको ऐसे, हमेशा बहुत स्ट्रांग रही है वो, हमेशा मुझे हिम्मत देती है। देखा ना तुसी बीजी, देखा कितने दिन हो गए आज, कब तक चलेगा ऐसे वो, कब बोलेगी, कब किससे बात करेगी, कब नॉर्मल होगी? होगी पुत्र, जल्दी होगी, थोड़ा वक्त उसको भाई को ठीक करेगा। तू अकेला नहीं है पुत्र, अकेला नहीं है तू, हम सब सब है ना तेरे साथ। यही समय होता है जब परिवार का साथ सबसे ज्यादा काम आता है। फिक्र न कर पुत्र, तू जा अस्पताल जा पुत्र, उनको तेरी जरूरत है, जा। हाँ पुत्र, तू अपने काम पे जा, असि सारे है ना आस्था के साथ, ध्यान रखेंगे। कोई नहीं ठीक हो जाएगा बीजी। बीजी वो अमृता के लिए ना नींबू वाली चाय बना दो, इसको एसिडिटी हो रही है। एसिडिटी हो रही है? हाँ पुत्र, पर पहले मैं देखूंगी ये एसिडिटी है या कुछ और है, पूरा मुआयना करूंगी फिर मैं दवाई बनाऊंगी। तू चिंता ना कर, मेरे ते छाड़ दे। आ पुत्र। बीजी आज अजीब सा लग रहा, मतलब वॉमिट भी हो रही है। की अचार इतने किसने रखा? अचार पीछे? आपको कैसे पता मुझे ये खाने का मन कर रहा है?
कुछ खट्टा चटपटा, कुछ रिफ्रेशिंग खाने का तो मन कर रहा था बीजी। मजा आ गया, मुंह का स्वाद ही खराब हो गया था सच में। हेलो सुरजीत जी, मैं संजोत कौर ब्रार बोल रही हूँ। तुसी कल घर आ सकते हो? हाँ जी ठीक है। अरे पंगे मैं ही सॉल्व कर। बीजी 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 एक मिनट बीजी बीजी एक मिनट एक मिनट, एक कप गर्मा गर्म अदरक वाली चाय पिया दो प्लीज। होने ले आई। ओए रब्बा, अभी ये मुझे सॉल्व करना है। निम्रत सबके लिए चाय बना दे। बीजी आप और लोगों को भी कह सकते हैं ना काम के लिए, हर कोई बस मुझ पे ही हुक्म चलाता रहता है और लोग जाके कमरे में बंद हो जाते हैं और एक एक करके सब जाके उनका मत्था टेक, कोई मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचता। ठीक है मैं खुद ही अपने बारे में सोचती हूँ, मुझे क्या करना है। कैसे बैठी रहोगी? हो गया आपका राज योग खत्म। बस बस आप उठिए, मंदिर की ना मूरत की तरह स्थापित मत हो जाइए यहाँ पर। चलिए उठिए। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो ऐसे? चिल्ला कर रही हूँ, मैं तो बात कर रही हूँ और ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। ये यहाँ पर ऐसे बेड पे क्यों बैठी हुई है? एक हफ्ता हो गया, इन्हें सब कुछ यहाँ बेड पर ही चाहिए क्यों? मम्मी ये क्या कह रही हो, चुप हो जाओ। यार मैं क्या गलत कह रही हूँ बता, क्या गलत कह रही हूँ मैं? माना इनके साथ में बहुत बुरा हुआ है लेकिन उसकी वजह से घर के सारे काम तो नहीं रुक रहे हैं ना। सब कुछ हो रहा है लेकिन सारे काम मैं कर रही हूँ। इस घर की बहू मैं हूँ क्या? आपका कोई फर्ज नहीं है क्या? प्लीज चुप हो जाओ निमृत। मैं क्यों चुप हो जाऊँ? और आज तो मैं बिल्कुल चुप नहीं रहूंगी। अरे यार मेरा भी सब्र का बांध टूट गया है। ये जरूरी है कि हर काम मैं ही करूँ, सारी चक्की मैं ही पीसूँ, इनका कोई काम नहीं? और जब से मैं शादी कर आई हूँ मैं ही खट रही हूँ, घर का घर वालों का सारा काम मैं देखती हूँ। ये तो अमेरिका में ऐश कर रही थी और जब से आई है तब से कोई काम नहीं कर रही। आप मुँह फुला कर यहाँ बैठी हुई है जैसे कोक भवन हो। चुप कर निमृत, जो मुँह में आया बके जा रही है, तेरी जबान बहुत ज्यादा चलने लगी है। आप चुप हो जाओ, आपको कोई घर का काम नहीं करना पड़ता इसलिए बहुत दिलदार बने बैठे हो। तुम भी मत करो, हम किसी बाहर बाहर किसको बुला लेंगे बताओ? कौन बाहर से आने वाला है हमारा घर का काम करने के लिए, या आप करोगे? ये अच्छा आइडिया है। अरे हाँ देखो तो अमेरिका में भी तो सारे काम करते ही होंगे, आप तो करवाती होंगी ना इनसे काम, तो मैं भी करवा लेती हूँ। एक काम करते हैं, आप है ना बर्तन मांजे और मैं आटा गूंथती हूँ। बिल्कुल चलिए आइए आइए, आपको मैं आज बर्तन। पागल हो गई है? स्टॉप इट निमृत। परेशान कर रही हो? ये अभी अभी हॉस्पिटल से आए, थक गए होंगे। जो काम करना है मुझे बताओ, मैं कर देती हूँ। ना कभी जिम्मेदारियों से भागी और ना कभी भागूंगी। बोलो करना क्या है? बस होगी ना तसल्ली तेरी निम्रत, आगे पर जाएगी। अब हो गई तसल्ली, इसी बहाने से ही सही। कम से कम जिठानी जी बोली तो सही। रसोई का काम तो मैंने पहले ही कर लिया था और तब तक करती रहूंगी जब तक आप अपने मन से रसोई में ना आए, लेकिन आपको इस तरह से चुप नहीं देखा जा रहा मुझसे। आप सबको लगता है ना कि निमृत बहुत कड़वा बोलती है, मुझे लगा आप सबकी मीठी मीठी जुबान से तो ये बोल नहीं रही है, शायद मेरी कड़वी जुबान से बोल पड़े। और देखो गुस्से में ही सही, कम से कम बोला तो सही। हाँ
रो लीजिए, आपका दिल हल्का हो जाएगा। जी भर के रो लीजिए। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।